wonderful initiative. I think it's a wonderful initiative. Plant trees, save the environment, save water. हमने कभी पेड़ बहुत पेड़ लगाए हैं और कभी पेड़ काटने भी नहीं दिया लोगों से. रोड पे उनको रोका भी है जब कोई पेड़ काट रहा होता है. यार बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लोगों को पेड़ दे रहे हैं, आप उन्हें एक लिविंग चीज़ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है. सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम योगी मस्करी फ्रॉम लंदन. आई एम हियर सपोर्टिंग द श्री कल्पतरु संस्थान. Everybody, please pay attention to the environment, the nature and the trees and the plants around you. I wholeheartedly support the activities of this organization. Please pay attention and please follow their instructions. God bless. Have a nice day. हम लोग सब लोग कार्तिक में तुलसी पूजा करते हैं, तुलसी का विवाह करते हैं. तो जिस तरह से अपनी लड़कियों को हम बड़ा करते हैं, पालते हैं, पूछते हैं, उसी तरह से तुलसी जो देवी है उसे अपने घर आंगन में रखिए, उसे बचाइए, उसकी पूजा करिए. क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि तुलसी जो है वो ओजोन लेयर को भी बनाए रखती है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. और हमारा रेगिस्तान वाला इलाका है, तो नमो नमो तुलसा महारानी, अपने घर में लगाइए, पूजा करिए और औरों को भी फूलों की जगह तुलसी दीजिए. मेरे घर में तुलसी है, लगाए मैंने बहुत पेड़ लगाए हैं और मेरे घर में तुलसी का चौरस भी है, जो चौरस लगाते हैं ना, जो गमला लगाते हैं वो भी. कल्पतरु का तो नाम ही ऐसा अच्छा है कि कल्पतरु, तो सारे जो तरु हैं, तरु माने पेड़ पौधे, तो कल्पतरु यदि उनकी सबकी कल्पना करता है और उनको बनाए रखना चाहता है तो कल्पतरु का साथ दीजिए. अपने घर में बहुत सारे पौधे उगाइए और पौधे दीजिए. तुलसी रा पौधा अठे आउन वाला मेहमान ने भेंट करीजे तो आ अपारी परंपरा रो इज विस्तार है. तुलसी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पौधो अनादिकाल सु मानीजियो है और इनरा औषधीय गुण रो बहुत महत्व आयुर्वेद में भी है. तो और एक पवित्रता रो प्रतीक है. पेड़ राजस्थान रो हर मिनक आपरी जून में रूखड़ा लगाव तो रहो है, क्योंकि रूखड़ा लगाया रे बिना आवण वाली पीढ़ी ने अपे आछो पर्यावरण नहीं दे सका. कल्पतरु संस्थान वो काम कर रही है रूख लगाउन नो काम, क्योंकि आवण वाली पीढ़ी ने एक साफ सुथरो प्रशासन देनो है, पर्यावरण देनो है, तो अबार री पीढ़ी ने बताऊँ बता रूखड़ा लगावना चाहिए. पर्यावरण की दृष्टि से लोगों को इस प्रकार पूरा नाम और संस्था में मैं काम कर रही हूँ. भेड़ बकरिया ऊँट पालक पाल लो हुआ अच्छा लग रहा अच्छा. राजस्थान के जनसान ने कहना चाहती हूँ कि भाई पेड़ पौधा लगाओ और तुलसी ने लगाओ घर घर में, पेड़ पौधा लगाओ और पर्यावरण बसाओ. ग्रीन आइडिया है कि लोगों को पेड़ घर ले जाने चाहिए और जो है आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. कल्पतरु संस्थान ने हमें ये रिक्वेस्ट किया था कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उनका तुलसी का पौधे सबको दिया जाए ताकि वो घर जाके वो उस पौधे को स्थापित करे, हमारा जो पर्यावरण है एनवायरनमेंट है उसको सुधार करने के लिए. हम समझते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. इस संस्था के प्रति जितने लोग जितने बेनिफिट होगा केवल घरों के लिए नहीं पर पूरा दुनिया का यह बेनिफिट होगा कि अगर लोग पेड़ अपने घर पे लगाए और वातावरण यही पेड़ हमने अपने घर में भी लगाए और हम चाहेंगे कि सभी लोग जो ये देखेंगे इसमें जुड़ जाए और वी मस्ट प्लांट अ ट्री पर्पस. हम भी चाहते हैं कि पर्यावरण का पूरा सपोर्ट करे. ये तो पृथ्वी तो हमारी ही है और किसी का तो है नहीं. साथ मिल के अगर हम इसको साफ रखें, एनवायरमेंटल कॉन्शियस रखे, तो सबके लिए ये भला होगा. वी आर हेयर इन जयपुर लिटरेचर फेस्ट एंड वी आर एंजॉइंग अ लॉट.
इट्स रियली वेरी नाइस एंड हमें यहाँ पे कल्पतु संस्था से हमें ये पौधा भी हमें गिफ्ट किया गया है. इट्स नाइस एंड हमें अपना जयपुर भी ग्रीनिश रखना चाहिए. आप सबको भी शायद ऐसे ही पौधे अपने घर पे लगाने चाहिए, सजाने चाहिए. एंड इट्स रियली नाइस, कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन. ग्रीन जो मुहिम चलाई जा रही है, मैं ये जो JLF अटेंड कर रही हूँ, इसमें मुझे ये कि नई चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वेलकम करने के लिए जो माला या वो होता है उसकी जगह ये तुलसा जी के इस पौधे से किया जा रहा है. और ये कि बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए मैं कल्पतरु को धन्यवाद देती हूँ. और मैं ये चाहती हूँ कि इसके ज़रिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था से जुड़ें. सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने राज्य इंडिया में और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पौधे लगाएं. आई एम कृषा मेहता, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंस्पायर. आई विजिटेड डेफिनेटली फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई हर्ड अबाउट समथिंग न्यू दैट स्टार्टेड फ्रॉम कल्पतरु. एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग mementos out to people, they are starting something new, pro environment, go green, saving the environment. They're giving out plants to people to encourage a better breathing space for people. And yeah, I think they're doing a really good job, and it's all to Hi, I'm Ramesh Gunasekar, and I just wanted to say that trees are a good thing, so protect them. Hi friends, my name is Shilpi. I am here today at the Jaipur Literature Festival. And here, all the celebrity guests have come, the welcome of all the flowers and bouquets is being done from tulsi plants, which is showing completely apart. And this is the best thing, where the world is from global warming. And if you are welcome with this kind of plant, then I believe this is a very good message. And I want to say सभी लोग इस मुहिम से जुड़े. जुड़ी हुई हूँ इस संस्थान से जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है समाज में. एक बहुत ही अच्छा इनका इनके द्वारा मैसेज दिया जाता है जो प्लांटेशन के लिए दिया जा रहा है. तो मैं चाहूँगी कि आप सब इससे ज़रूर जुड़ें. नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी, जी मरुधरा से सीनियर एंकर. और जब इस मुहिम के बारे में मुझे पता चला, बहुत अच्छा लगा. तुलसी का पौधा देकर के स्वागत किया जा रहा है. चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहा है या मेरे जैसा आम भी कोई पहुँच रहा है, तो उसको तुलसी का पौधा दिया जा रहा है. अच्छा कल्चर है, राजस्थान की रवायत है, संस्कृति हमारी मिट्टी में है. और जब किसी का स्वागत इस तरह से किया जाता है तो न सिर्फ कल्चर इंटैक्ट रहता है बल्कि स्वागत एक नायाब तरीके से होता है, एक अच्छे तरीके से होता है. मैं चाहूँगा कल्पतरु संस्थान की ये मुहिम और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े. हाय एवरीबॉडी, आई एम रानू, मिसेज रानू श्रीवास्तव. आई केम हियर टू द लिट फेस्टिवल. आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जयपुर ओनली. And literature festival is it's become very historic. And as I entered, I got this tulsi plant, and I really appreciated getting this plant because I think it's very holy. And you know, it was a very nice gesture because you know it's very environmental friendly and it has a great medicated effect. So I think you know, and we all should plant this in a balcony and in our lawns. You know, it's very very important. And I would you know, it's great to be here. हम सब विद्याश्रम स्कूल से आए हैं और यहाँ पे हम लिटरेचर फेस्टिवल में आए हुए हैं. हमने यहाँ पे देखा कल्पतरु संस्थान से नीम के पौधे बांटे जा रहे हैं, सॉरी तुलसी के. बहुत ही इनकरेज किया जा रहा है यूथ को प्लांट करने के लिए. हम बहुत खुश हैं और घर पे जाके हम प्लांट करेंगे. आप भी आइए. हाय एवरीबॉडी, विजय खंडेलवाल, सिद्धार्थ, माय फ्रेंड हार्दिक. हम लोग जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है. एंड दैट श्री कल्पतरु संस्थान ने हमें फ्री तुलसी पौधे दिए हैं, विच इज़ वेरी गुड. एंड हम यहाँ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. हम लोग प्लांट्स घर पे लेके जाएंगे एंड वी होप कि हम इसे एक्सपेंड करें और बढ़ाएं. और इस संस्थान को आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा संस्थान है. इनका ऑफिस विजिट कीजिए. तुलसी का पौधा गिफ्ट किया गया है. Hi everyone, I'm Jennifer Inselman, and please support this campaign for a green world, clean world. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पूरे प्रदेशवासियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. जयपुर फेस्टिवल, जिन्होंने अपने 9 साल के अंदर सिर्फ प्रदेश ही नहीं पूरे देश अपितु पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाता जा रहा है. और इस फेस्टिवल में मैं आने वाले का स्वागत करता हूं. और कल्पतरु संस्थान द्वारा जो यहां पर एक तुलसी का पौधा भेंट किया जा रहा है आने वाले हर किसी शख्स को,
मैं कल्पतरु संस्थान का अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तुलसी का जो महत्व है पौराणिक, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर बीमारी 100 कोसों दूर रहती है। तुलसी के पौधे का महत्व, अगर कोई इंसान प्रातःकाल 5 पत्ते अपने सुबह उठ के ले लेवे तो मैं कहता हूँ उसमें कोई भी बीमारी, कैंसर या किसी भी प्रकार का जो असाध्य रोग हैं वो अपने पास में नहीं फटकने देती है। तुलसी का महत्व पौराणिक में जितना बताया गया है, अगर ये पौधा घर घर में लगने से पूरी बीमारियां तो दूर रहेगी अपितु एक पूरा प्रदेश हरा भरा, हरियाली भरा रहेगा। यह सभी यहाँ पे आने वाले आगंतुकों से निवेदन है कि यहाँ पर आके अपना पौधा लेके जावें और अपने घर में तुलसा जी की सेवा करेंगे तो मैं सोचता हूँ ये प्रदेश हरा भरा भी रहेगा और निरोगी काया रह जाएगी। मैं पूर्णिमा कत्याल नागौर से आई हूँ और यहाँ पर इस बार पहली बार देखने को मिला है कि लोगों को तुलसी के पौधे दिए जा रहे हैं। तुलसी का पौधा, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में जानकारी है कि ये औषधीय पौधा है और ये अपने उसके सारे समाज उसके लिए बहुत आवश्यक है, तो ये बहुत एक अच्छी व्यवस्था शुरू की है लिटरेचर फेस्टिवल में कि आपने सभी को तुलसी के पौधे देकर सबका स्वागत कर रहे हैं। Hi everyone, this is Divya Bajoria. I'm here at Jaipur Literature Fest, which is a very nice event, and I came through that this institution, which is Kalpatru, it is distributing free of cost tulsi plant, which is very helpful because it has many and many benefits for us, and you know this global warming thing is going on and this is a very nice cause that they have extended. So I'll request you all to come along and you know come to this fest and you will come across very nice literature as well as you'll help our environment. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आई तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी विश्वलामा जी से मुलाकात हुई और कल्पतरु संस्थान की तरफ से मुझे एक जो तुलसी का पौधा है दिया गया। यहाँ पे फ्री में जो है ये पौधे दिए जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़रूरत है आज के ज़माने की कि हमको अपनी धरती के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर टू मेक आर कंट्री, आर अर्थ, प्लानट अर्थ ग्रीन एंड द ग्रीनर प्लानट। थैंक यू सो मच, आई एम लकी। आप भी आइए और यहाँ पे ये जो फ्री का जो पौधा वितरण किया जा रहा है कल्पतरु संस्था की तरफ से, उसका लाभ उठाइए। और वैसे भी तुलसी का जो पौधा है घर के अंदर अगर ज्योतिषीय कारण देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। C'est que nous voulons sauver la terre en plantant faisant d'énormes plantations d'arbres et en économisant l'eau. Voilà notre message. कल्पतरु संस्थान का बहुत आभारी हूँ और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा ही जो अभियान जो वो बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं उसको अभी तक चालू कर रखा है। और यहाँ जो इतने नौजवान हमारे बच्चे आए हैं या और भी लोग हैं उनको वो मोटिवेट कर रहे हैं कि राजस्थान एक डेजर्ट का एरिया है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे वो इस प्रदेश के लिए और मुल्क के लिए एक बहुत ज़रूरी एक काम है। तो मैं आप सबको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इसको अभी अभियान को जारी रखा है। राजस्थान में जितना हरित क्रांति की आवश्यकता है शायद बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इतना ज़रूरत है। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने एक लिटरेचर फेस्टिवल में इस आंदोलन को गतिमान रखा है और यहाँ आने वाले कई लोग जो कि विभिन्न राज्यों से आए हैं उनको भी मेरे ख्याल में साहित्य के साथ साथ हरियाली के लिए प्रेम जागेगा, एक उत्साह जागेगा। मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के लिए और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह यहाँ पानी की शॉर्टेज है, मुझे ख़तरा कश्मीर पे जंग का कम है, पानी पे जंग का ज़्यादा है। इसलिए हमें पानी प्रिजर्व करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। वाटर इशू पे देयर शुड बी मच ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन आवर टू कंट्रीज़।